Hello and welcome, movie buffs. Welcome back to another episode of Movie Reviews at CSR Movies. दोस्तों अभी अभी मैं चंदू चैंपियन मूवी देख कर आया हूँ. इस मूवी का रिव्यू इस वीडियो में करेंगे, लेकिन इस मूवी का रिव्यू करने से पहले मैंने रियल लाइफ चंदू चैंपियन यानी मुरलीकांत पेटकर इनकी जीवनी पर भी एक वीडियो बनाया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस लिंक पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं. तो अब जानते हैं जितनी इंस्पिरेशनल मुरलीकांत पेटकर जी की कहानी है, क्या उतनी ही बढ़िया तरीके से डायरेक्टर कबीर खान ने बड़े स्क्रीन पर उतारा है या नहीं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो दोस्तों जैसा कि अब तक सबको पता चल ही चुका है, ये मूवी कई सालों तक गुमनामी में रहे एक ऐसे शख्स के जीवनी पर आधारित है जिसने भारत के लिए पैरालंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता था. जी हाँ, कहानी है पद्मश्री मुरलीकांत पेटकर जी की. तो मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है मुरलीकांत जी के बचपन से और उनके ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के सपने से. बड़ा होके क्या बनेगा? मास्टर जी, मैं चैंपियन बनूंगा और मेडल लाऊंगा. ए हंसता का को है? पूरा गांव हंसता है तेरे पे. जो पता है क्या बुलाते हैं लोग तेरे को? अरे आ चंदू चैंपियन. लेकिन किस खेल में उन्हें ये ओलंपिक मेडल जीतना है वो उन्हें अब तक नहीं पता. आगे जाकर उनका कुश्ती में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और वो सोच लेते हैं कि मुझे कुश्ती में ही भारत के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है. अरे ये तो चंदू चैंपियन है. चंदू नहीं, चैंपियन है मैं. लेकिन आगे जाके कुछ ऐसा होता है जिस वजह से उन्हें गांव छोड़कर भागना पड़ता है और वो पुणे में आके इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं. और आर्मी में भी वो अपने खेल में रुचि और काबिलियत के दम पर बॉक्सिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका पा लेते हैं और अपने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के सपने की आगे और एक कदम बढ़ाते हैं. लेकिन किस्मत बड़ी बेरहम होती है. 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के दरमियान वो वहाँ पर फंस जाते हैं और उन्हें वहाँ पर 9 गोलियाँ लग जाती है, जिस वजह से उन्हें बॉक्सिंग छोड़नी पड़ती है क्योंकि एक गोली उनके रीढ़ की हड्डी में फंसी होती है जिसे निकालना मुश्किल होता है और उस वजह से उनके कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है. लेकिन हार माने वो चैंपियन कैसा. इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अपने कोच टाइगर अली के गाइडेंस के साथ पैरालंपिक्स में कम्पीट करके इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने का निश्चय करते हैं और अपनी लगन और मेहनत से आखिरकार जो सपना उन्होंने बचपन में देखा था, भारत के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का, वो सपना वो पूरा कर ही लेते हैं और भारत को पैरालंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जितवाते हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं. लेकिन उनकी ये कहानी जितना मैंने बताया उतनी आसान नहीं होती. उनको कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. तो क्यों वो गांव छोड़कर भाग जाते हैं? उनके आर्मी में भर्ती होने की असली वजह क्या है? आखिर क्यों उन्हें बचपन से ही भारत के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना था और क्यों वो भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद अर्जुन अवार्ड से कई सालों तक दूर रहे? यही इस मूवी की कहानी है. तो दोस्तों अब बात करते हैं मूवी के कास्ट और परफॉर्मेंसेस की. सबसे पहले बात करते हैं मूवी के हीरो यानी कार्तिक आर्यन की. दोस्तों जब मैंने ट्रेलर देखा तब मुझे उनका परफॉर्मेंस काफी अनरियलिस्टिक सा लगा. ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चों जैसी एक्टिंग कर रहे हैं. लेकिन मूवी में उनका पूरा कैरेक्टर जिस तरह पनपता है, जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, उसके हिसाब से वो मूवी में पूरी तरह फिट बैठता है. तो सिर्फ ट्रेलर देखकर अगर कार्तिक आर्यन की एक्टिंग जज करने वाले हो तो पूरी मूवी देखकर ही अपना फाइनल वर्डिक्ट देना. मुझे कार्तिक आर्यन की एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी. उन्होंने खुद को पूरी तरह से झोंक दिया है मुरलीकांत पेटकर जी के इस कैरेक्टर में. मुरलीकांत जी के स्ट्रगल्स उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से पेश किए हैं जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहेंगे अगर आप पूरी तरह से फील कर इस मूवी को देखोगे तब. वेल डन कार्तिक, यू डिड जस्टिस टू दिस रोल. एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर और भी है जो प्ले किया है विजय राज ने और इस कैरेक्टर का नाम है टाइगर अली, कोच टाइगर अली. भाई वाह, कार्तिक आर्यन की एक्टिंग इनकेस आपको अगर 19-20 कहीं पर लगने लगे तो विजय राज फ्रेम में आ जाते हैं और हर सीन में उन्होंने डोमिनेंटली परफॉर्म किया है. ही जस्ट नेल्ड द कैरेक्टर ऑफ टाइगर अली. इन दो मेन कैरेक्टर्स के अलावा राजपाल यादव और भुवन अरोरा जो चंदू के दोस्त और आर्मी में कलीग होते हैं,
वो भी इस मूवी में दिखाई देंगे। उनका रोल इस मूवी में कॉमेडी और ह्यूमर बनाए रखता है और हमें एंटरटेन करेगा। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है कबीर खान ने, जिन्होंने इससे पहले न्यूयॉर्क, बजरंगी भाईजान, काबुल एक्सप्रेस और 83 जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज को डायरेक्ट किया है, और उनकी इस लिस्ट में अब चंदू चैंपियन का नाम भी शामिल हो जाएगा। जी हाँ, मूवी काफ़ी अच्छी तरीके से डायरेक्ट की गई है। मूवी का बैकग्राउंड, मूवी का स्क्रीन प्ले, सब कुछ इतना अच्छा हुआ है कि मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। बस एक कमी मुझे लगी, जो है कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर का मेकअप, जहाँ पर उन्हें दाढ़ी लगानी पड़ती है वो तुरंत समझ में आता है कि वो नकली है, और उनके बुढ़ापे का जो लुक है वो भी रियलिस्टिक नहीं लगता। बस यही मुझे थोड़ी सी खामी नज़र आई, लेकिन उसके अलावा मूवी कहीं पर भी कम नज़र नहीं आती। तो दोस्तों, मुरलीकांत पेटकर जी के स्ट्रगल्स देखकर खुद के पैरों पर खड़े ना होने के बावजूद ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना पूरा करने की जिद, और सिर्फ जिद ही नहीं, उसे पूरा करने के लिए जो मेहनत, डिसिप्लिन और माइंडसेट चाहिए होता है, वो सभी कार्तिक आर्यन ने इतने अच्छे तरीके से दिखाया है कि आपकी मुरलीकांत पेटकर जी के लिए इज्जत और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये मूवी हर उस इंसान के लिए प्रेरणादायी है जो खुद को हारा हुआ महसूस करता है। दुनिया में कितने ही लोग होंगे जिनके पास कुछ ना कुछ करने की काबिलियत होती है, लेकिन आलस और अनुशासन की कमी की वजह से वो एक लूजर यानी चंदू बनकर रह जाते हैं। अगर हमें चंदू से चैंपियन बनने का फैसला तय करना है तो हमें आलस को त्यागना होगा, मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी होगी, तभी जाकर हम चंदू चैंपियन बन सकते हैं। मुझे आज लड़ने का है सर, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बनना चाहता है, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बन सकता है। नौ गोलियां झेलने वाले एक पैरालाइज्ड आदमी अपनी जिद, मेहनत और लगन से अगर पैरालंपिक्स जैसे सर्वोच्च स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अ वॉर हीरो हु टुक 9 बुलेट्स ओवर हिज बॉडी, one is still stuck in his spine and still managed to bag the first gold medal in Paralympics for India, but still remain ignored and unnoticed by the Sports Authority of India and Ministry of India for many years. Lekin finally 2018 mein unhe unke kreeda kshetra aur Indian Army ke prati diye hue yogdan ke liye Bharat ke chauthe sarvoch puraskar yani पद्मश्री से नवाजा गया। लेकिन फिर भी मेरे जैसे कई सारे हिंदुस्तानियों को अभी भी उनके बारे में पता नहीं था, और कबीर खान ने इस फिल्म को बना के उनको पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाया है, और यही पद्मश्री मुरलीकांत पेटकर जी के लिए एक सच्ची भेंट है। ही विल बी रिमेम्बर्ड एज अ लेजेंड। इस वीडियो में बस इतना ही। ये मूवी थिएटर में जाके जरूर देखना, आपको डेफिनेटली ये मूवी पसंद आएगी। कार्तिक आर्यन की एक्टिंग और इस मूवी की इंस्पिरेशनल कहानी, मुरलीकांत पेटकर जी की इंस्पिरेशनल कहानी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, और इसके लिए ये मूवी देखना जरूर बनता है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस। आपको ये मूवी कैसी लगी ये कमेंट्स में जरूर बताइए, और यहाँ तक अगर आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स एंड टेक केयर गाइज़।